हरियाणा विधानसभा का चुनाव का विगुल बज चुका है। 21 तारीख को वोटिंग होनी है। सभी पार्टियां व क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक ऐसे नेता है जो सभी पार्टियों के और सभी नेताओं के बीच में एक चर्चा का विषय बने हैं। सभी की हार्ट बीट आखिर में तेज़ क्यों है? संदीप राजवर के नाम से जब भी नाम आता है कहीं ना कहीं पार्टियों में और क्षेत्रीय पार्टियों में एक हलचल हो जाती है। यहाँ के स्टैंडिंग विधायक हो गीता बुक्कल हो या बीजेपी के कोई भी नेता, जहाँ संदीप राजवर का नाम आता है अचानक से उनकी बोलती बंद हो जाती है, कुछ ना कुछ वो आर्गुमेंट अलग करने लग जाते हैं। इस शख्स के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता, जानते हैं क्या कारण है संदीप जी कि कोई भी पार्टी डायरेक्ट संदीप राजवर से बचना चाहती है? पहले तो मेरा नमस्कार आपको और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे उन लोगों का नहीं पता कि वो क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन अभी लेटेस्ट बात है, हमारे यहाँ कोई डिबेट होनी थी संस्कारम में, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, लेकिन रात को फ़ोन आता है कि वहाँ आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी, जबकि वो ओपन डिबेट थी। हमने थोड़ा सूत्रों से अपनी जो गुप्त सूत्र थे जानकारी ली कि क्या कारण है इसका, तो उन्होंने बताया कि जो लोग डिबेट में थे उन्होंने आपको कैंसिल कराया है। अब मुझे ये नहीं पता क्या कारण था क्या नहीं, लेकिन मैं उस डिबेट में पहुंचा लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। अगर मैं उसमें होता तो वो मुद्दे उठाता, वे बातें उठाता जिनकी ज़रूरत थी, और वहाँ मैंने देखा सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई थी, ना कि कोई मुद्दों पर चर्चा थी। संदीप राजवर को इसलिए नहीं बुलाया गया, मैं बताता हूँ, वो डायरेक्ट नाम लेकर बोलते हैं, वो जो मुद्दे होते हैं जिसने नहीं कराया उसका नाम लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी टोले में डाल देती है कि कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस कह देती है जी हमारी सरकार नहीं है, लेकिन संदीप राजवर बाई नेम उनके पोल खोलते हैं, शायद यही डर रहा होगा। हाँ देखिए, मैं बिल्कुल खुला बोलता हूँ, क्योंकि हमारे पास सिवाय विचार के और मुद्दे के कुछ नहीं है, ना किसी पार्टी का सहारा ना हम लेना चाहते, और इन पार्टियों की जो एक संगठित लूट है उसके खिलाफ हमने बिगुल बजाया है इस इलेक्शन में। मैं 40 साल का हो गया, देखते देखते कि शायद अब उम्मीद हमारी पूरी हो, अब उम्मीद पूरी हो, लेकिन किसी भी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे नेता, तो हमने डिसीज़न लिया कि हम इलेक्शन लड़के अपनी बातों को कम से कम जनता के सामने रखेंगे और बेधड़क होकर हम ये इलेक्शन फाइट करेंगे। हमारे ऊपर किसी का ना दबाव है ना कोई हमारे भीतर संकोच है, हम काम करेंगे निष्ठा से और ईमानदारी से। अभी प्रचार में लगे हुए हैं और लोगों का बहुत ज़्यादा समर्थन हमारे साथ आ रहा है। समस्याओं की बात करें तो संदीप को यहाँ से भलीभांति वाकिफ़ हैं कि झज्जर में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य जो कि होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। बात करें गीता बुक्कल की तो पिछले 10 सालों से वो काबिज़ हैं, उससे पहले भी कांग्रेस का राज रहा है, और लेकिन सभी पार्टियाँ एक दूसरे ऊपर ब्लेम करती रहती हैं। संदीप राजवर ही ऐसा क्यों शख्स है जो इन समस्याओं का समाधान कर पाएगा, वो भी निर्दलीय? देखिए मित्तल साहब, मैडम गीता बुक्कल जी यहाँ शिक्षा मंत्री थी और हमारी बहन बेटियाँ रोहतक यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती थी या दिल्ली। यहाँ का शिक्षा मंत्री है कोई और उनको बड़े भारी बहुमत से हमने जिताया, पूरी निष्ठा से, और किसी पार्टी को हमने उस टाइम वोट नहीं दी, और एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी हमारे झज्जर ज़िले में वो नहीं दे पाई। दूसरा, गैस फैकल्टी के जो टीचर, अगर उनसे बात करें तो उसमें कहाँ रिजर्वेशन की मुहिम थी कि शेड्यूल कास्ट को उसमें कोई रिजर्वेशन के तहत लिया जाए, वो एक इतना मिस प्लानिंग था मैटर कि उन गेस्ट फैकल्टी टीचर को मैंने देखा कि उनके हमेशा इनके निवास स्थान पर धरने ही दिए रहे, झंडे उठे रहे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इतनी कद्दावर नेता हैं अगर वो, और उन्होंने पार्टी में एक बार भी हिमायत नहीं की कि यूनिवर्सिटी हमारे झज्जर ज़िले में होनी चाहिए, तो मैं नहीं मानता कि वो यहाँ का कोई काम कर पाई या नहीं कर पाई। आप ये देखिए, शहर का जो गर्ल्स स्कूल है उसके अंदर साइंस फैकल्टी अब तक नहीं है, साइंस स्ट्रीम जो है, लड़कियाँ जो पढ़ना नहीं चाहती लड़कों के साथ, अब वो गर्ल्स स्कूल में जाती हैं, साइंस का कोई टीचर नहीं, उनको मजबूरी वश या तो लड़कों के स्कूल में आना पड़ता है या वो अपनी इच्छा से या माँ बाप की इच्छा से 10वीं के बाद पढ़ ही नहीं पाती।
तो ये इतनी छोटी छोटी बातें और हम इतनी उम्मीद से इनको एमएलए बनाते हैं, हमारी शिक्षा में कोई सुधार नहीं हो पाया और हमारे हलके की शिक्षा मंत्री, तब ये काम ही नहीं हो पाते तो हम क्या करें, फिर हमें खुद मैदान में आना पड़ा। बेरोजगारी का मुद्दा करें तो जो सरकार में रहते हुए वो रोजगार नहीं दे पाए, तो क्या निर्दलीय विधायक लोगों को रोजगार दे पाएंगे? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है और मेरी पूरी रिसर्च है इस बारे में कि अगर विधायक मजबूत हो किसी भी हलके का तो वो अपनी बात विधानसभा में रख सकता है, लेकिन यहाँ होता ये है कि विधानसभा का जब सत्र होता है तो उनकी आपस की टांग खिंचाई, बातों पे अप्लाई, उनकी अपनी लड़ाई है, ना तो कोई पब्लिक का मुद्दा उठाते। और जो मैं देखता हूँ विपक्ष वाले जो मुद्दा उठाते हैं, वे मुद्दे तब भी थे लेकिन उन मुद्दों को उन्होंने तब नहीं उठाया, वो सत्ता में कोई पार्टी है तब उठाते हैं। तो मेरा मानना है, मानना क्या, ये पक्का है, अगर विधायक प्रोजेक्ट बनाए, पूरी प्लानिंग करे हलके के बारे में, जैसे हमने एक प्लान दिया कि जितनी गांव के अंदर या शहर में भी पंचायती जगह हैं, सरकारी जगह हैं, वो एक बहुत बड़ी बनी और जंगल का रूप ले चुके हैं, जिनका कोई उपयोग है ही नहीं, वहाँ नशे होते हैं, क्राइम होता है, आए दिन वहाँ कोई डेड बॉडी मिलती है या कोई हादसा होता है। हमने उसमें प्लानिंग दी कि इनके अंदर उन बेरोजगार नौजवानों को, चाहे वो ग्रामीण है, चाहे शहरी हैं, चाहे वो कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए विधायक अगर प्रोजेक्ट बना के दे विधानसभा में, जो भी सरकार है उसको, कि यहाँ जड़ी बूटियों का प्रोजेक्ट लगाए, भारत के बाहर भारतीय जड़ी बूटियों का जो आयुर्वेदिक है उसका कई अरबों खरबों में आयात निर्यात है, वो जड़ी बूटियों की कमी पड़ती है, भारत हमेशा ये काम करता आया है लेकिन वो पूर्ति नहीं हो पाती। आज विदेशी कंपनियां यहाँ काम करती है दवाइयों के नाम पे, क्योंकि हम आयुर्वेदिक दवाइयों पे पूरा रिसर्च और उस पर काम नहीं कर पाते। मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, जड़ी बूटियों को पैदा किया जा सकता है, इससे आप देखें कि कितने गांव में पंचायती ज़मीन जो जंगल पड़े हैं उनमें अगर ठीक से काम किया जाए तो वहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले। दूसरी बात, गौशाला अगर सरकार बनाए, सरकारी गौशाला हो हर गांव में या दो तीन गांव की एक गौशाला हो, उसके भीतर उन अनपढ़ नौजवानों को काम मिले, जो पे पढ़े लिखे हैं वो वहां काम कर सकते हैं, खेत बो सकते हैं, गऊ की सेवा कर सकते हैं, वो एक सरकार के अंडर में हो। जबकि ये अब गौशालाओं की जो आप देख रहे हैं कि इतनी गौशालाएँ हैं और फिर भी ये गोवंश के कारण कितने एक्सीडेंट होते हैं। मंडी में मैंने दौरा किया, सारे आढ़ती परेशान, सारे दुकानदार परेशान, कल भी एक दो बुढ़िया को मेरे सामने गाय ने चोट मारी। ये जो मामला है इसमें हमारा सुरक्षा भी का भी मामला खंडित होता है कि हम सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात, जो गौ माता की जय बोलते हैं लोग, वो एक भी सरकारी गौशाला यहाँ नहीं दे पा रहे। मैं गांवों का दौरा कर रहा हूँ, कोई लोग बंदरों से परेशान है कि हमारे खेती को उजाड़ देते हैं, कोई कहता है कि हमारे घर से कपड़े उठा लिए, भोजन उठा लिया, वो नुकसान कर दिया। 10 गांव तो मुझे ऐसे मिले जो कहते हैं कि हमें रोज़गार नहीं चाहिए, हमें तो इन बंदरों का उपाय करके दे दो। तो मैं ये मानता हूँ कि सरकार बंदरों का इलाज भी, जो जंगल के जानवर हैं वो शहर में किस लिए हैं, और वो अगर यहाँ है तो उसके लिए सुरक्षा का क्या उपाय है। यहाँ का मुद्दा स्थानीय जो विधायक हैं वो उठाएंगे, और ये इतनी छोटी बातें हैं कि इसमें पीएम और सीएम की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ विधायक कमज़ोर बनते हैं, इसलिए हम बेरोज़गार हैं, असुरक्षित हैं। आप सुरक्षा के मामले में देखें, सेक्टर 6 में अभी 5 डेड बॉडियाँ मिली है, भनक तक नहीं लगी, 3 दिन तक वो डेड बॉडी सड़ती रही। ये प्रशासन, यहाँ की विधायिका, ये सब कर क्या रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इतने बड़े हादसे शहर में हो जाते हैं और बावजूद इसके कोई रिपोर्टिंग नहीं। अगर ये जितनी कॉलोनियाँ हैं हमारी, 19 वार्ड हैं, हर गली के बाहर गेट लगाएं, जो एंट्री गेट हैं वो लगाए, जो शहर का बाईपास है या शहर के अंदर जिस जगह से एंट्री होती है वहाँ अगर दरवाज़ा लगाया जाए और 2-3 पुलिसकर्मी छोड़े जाएं, किस काम से आए हो, किसके लिए आए हो, किससे मिलना है, और उनकी तलाशी। तो मैं मानता हूँ अगर विधायक ये चाहे तो यहाँ अपना हलका पूरी तरह सुरक्षित हो सकता है, लेकिन ये काम करना नहीं चाहते।
शहर की बात करी जाए तो पीने के पानी की समस्या है, गांव में निकासी की, ये सबसे पहले मुद्दा संदीप राजवर ने उठाया था, अब लोग उसको कॉपी पेस्ट करने लगते हैं तो कहीं अखरता है। और दूसरी बात, संदीप ओपन बोलते हैं मेरे ये मुद्दे आप ख़त्म कर दें, मैं राजनीति से वापस ले लूँगा, अपना पर्चा भी नहीं भरूँगा। हाँ देखिए, मैं ये पीड़ाएँ मैंने सही है, कोई मैं ऐसा नहीं रहा कि मैं पंचकूला या चंडीगढ़ या दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ और इन चीज़ों को मैं झेलता आया हूँ, मैंने इन चीज़ों को महसूस किया। और मेरे साथ साथ जितने झज्जर हलके के लोग हैं वो सारे परेशान हैं, पानी की शहर में भी निकासी नहीं, पीने का छोड़ो नहाने का पानी ठीक नहीं, अभी मैंने एक बोतल में पानी रख रखा सैंपल के लिए, इतना बुरा पानी, उसको शरीर पे डालते तो खुजली शुरू होती है। अब ना पीने की पानी की सुविधा, ना पानी की निकासी की। हमने लोगों को जाके बताया गांवों में कि आपके यहाँ शिविर लाइन होनी चाहिए, वो कहते हैं हमारा पानी ज़मीन का ख़राब हो गया। अब सरकार एक तरफ कहती है कि स्वच्छता अभियान चलाएंगे और वो गली में या घर में उनके गड्ढे बनवाते हैं शिविर के, हम ये कहते हैं कि जब शहर में शिविर लाइन है तो गांव में भी बना सकते हो, लेकिन वो इस मुद्दे पे बात नहीं करते, काम नहीं करते। हमने एक तार का मुद्दा उठाया कि भाई एक तार का प्रबंध, क्योंकि गांव में मैंने कोई सैकड़ों औरतें और आदमी और पशुओं को देखा है जो इनकी गलत जो सिस्टम है बिजली का, तारों का नंगे तार हैं, करंट के लिए कोई कट का सिस्टम नहीं और कोई MC का प्रबंध नहीं कि अगर करंट इस फ्लोटिंग में आ जाए तो वो बंद हो जाए। भैंसों को मैंने जलते देखा, अभी जोंडी में मैं गया था, एक औरत 70% बिजली ने उसको झुलस रखा है। अब ये काम विधायक कर सकता है और कौन करेगा? और इन विपत्तियों को देख रहे हैं हम कि सभी लोग वोट करते हैं इस उम्मीद से कि हम सुरक्षित होंगे, शिक्षा में कुछ होगा, हमारी शांति के लिए कुछ होगा, हमारे स्वास्थ्य में कुछ होगा, लेकिन इन सभी में आज तक के विधायक टोटली फेल हैं और इसलिए हमने ये मुद्दे उठाए। हाँ ये भी पक्का है, अगर हमारे मुद्दे ये सरकार अगर पूरे कर दे तो हम इलेक्शन लड़ना अपना कैंसिल कर देंगे। राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक आदमी को दलदल माना जाता है, हम टीवी पे बैठ के उनके खिलाफ तो कमेंट कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन संदीप राजवर इस दलदल में क्यों आए? देखिए, आजकल जो देशभक्ति या राजनीति या कोई कमिटमेंट या कोई अपनी बात बोलता वो सिर्फ एक सोशल मीडिया का चैप्टर रह गया, लोग बड़ा प्रसन्न रहते कि हमने ये कमेंट कर दिया। हमारे देश में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है, जबकि यहाँ के महापुरुषों ने जैसे भगवान श्री कृष्णा, गौतम देव बुद्धा, उन्होंने कर्म के ऊपर जोर दिया कि आप कर्मयोगी बनिए। भगवान कृष्ण का तो सूत्र ही ये था, कर्म विक्रम अकर्म, उनके पूरे गीता का सार। और उन्होंने अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया कि आप कर्म करें। हमारे देश में बातें सभी, आम जनता भी, नेता भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तख्तो ताज बदल देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, लेकिन जब कर्म करने का समय आता है तो ये नहीं करते। आज राजनीति को सब कहते हैं कि दलदल है, हम भी मानते हैं दलदल है, लेकिन आप छोटा सा एग्जाम्पल ले मित्तल साहब, हमें एक शिविर को भी साफ करना है या गांव में कोई जोहड़ है, तालाब है, कुआं है, अगर उसको साफ करना है तो हमें उसमें उतरना पड़ेगा। और हम लोग हैं ओशो के सन्यासी और उन्होंने नारा दिया था ओशो ने कि स्वस्थ भारत का मार्ग स्वस्थ राजनीति। अब कितना ही सरकार स्वच्छ अभियान चलाए, सुरक्षा का चलाए, लेकिन जब तक हमारी जो आम जनता है वो पार्टियों को छोड़कर अगर कैंडिडेट को वोट नहीं देगी, तब तक मुल्क में, अपने हलकों में, ना अपने प्रांत में कोई सुधार नहीं हो सकता। और अच्छा आदमी इसलिए नहीं आना चाहता राजनीति में क्योंकि वो धूप में नहीं निकलना चाहता, कर्म नहीं करना चाहता, बातें बड़ी बड़ी बेडरूम में बैठ के करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन महापुरुषों को ये नहीं पता कि जो आप सोच रहे हैं उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। हमारी सोच अगर कर्म के साथ मिलती है तो क्रांति है, वरना वो क्रांति कुछ नहीं है, लोग ऐसे ही गटर की तरह सड़ सड़ के मरते रहेंगे। तो हम इसको साफ करेंगे, राजनीति को, इस भारत को स्वस्थ बनाएंगे, कोई नारे या कोई स्लोगन दे करके नहीं, हम कर्म करके लोगों को जगा जगा करके, वो कितनी हमारी बातें मानते कितनी नहीं मानते, लेकिन हम इस दलदल को मिटाने के लिए आ चुके हैं और मिटा के ही दम लेंगे।
लोग आपके यहाँ पर आते थे ओशो ध्यान केंद्र पर, गुरुजी बोलते थे, लोग पैर छूते थे, सत्कार करते थे, अब उल्टा हो गया है। आप लोगों के द्वार जाते हैं, लोगों को अपनी बातें समझाते हैं, लोगों को बार बार में ये चीज़ें बताते हैं कि हम लोग क्यों आए हैं, तो थोड़ा अजीब नहीं लगता? देखिए, अगर आदमी सच में ही आध्यात्मिक है तो अध्यात्म का अर्थ ये है कि ईगोलेसनेस, कि आपका अहंकार मिट गया, अब आपके कोई चरण छूता है या आपको गाली देता है, उसका अगर प्रभाव एक आध्यात्मिक आदमी पे पड़ता है तो वो आध्यात्मिक है ही नहीं। फिर वो राम नाम की चदरिया ओढ़ के वो अपना भजन किया और लोगों से बचता बचता अपने कमरे में, किसी गुफा में, किसी मंदिर में वो अपने परोसे को खाता है, चढ़ावे को खाता है। वो लोग ठीक मायने में मनुष्य के लायक, कहलाने के लायक ही नहीं है। ओशो बोलते हैं कि आपने जहाँ जन्म लिया, आध्यात्मिक आदमी अगर उस क्षेत्र में कोई बुराई है, कोई कुरूपता है, उसको मिटाने के लिए प्रयास करेगा, वो कहलाएगा सच्चा आध्यात्मिक, यानी भारतीय अध्यात्म का हिस्सा। और इसके अलावा जो लोग एक अपना कमरा साफ करके कि मुझे क्या लेना, लेकिन उन महापुरुषों को ये नहीं पता कि ये पार्टियाँ जो सत्ता काबिज हैं, ये जिस दिन चाहेंगे आपके आश्रम पे छापा मरवा के आपको भीतर कर देंगी। जिस दिन उनको ये पता लगेगा उस दिन ही अपने आश्रमों से बाहर आएंगे। ओशो ने अमेरिका के अंदर 65,000 एकड़ में, वर्ल्ड में रिकॉर्ड है कि कोई भी भारतीय महापुरुष आज तक ऐसा नहीं कर पाया। हालांकि भारत की एक कड़ी है ओशो, एक आगे बढ़ा हुआ कदम, उन्होंने 65,000 एकड़ में रजनीशपुरम सिटी अमेरिका के अंदर बसा के दिखाया और 5,000 परिवारों को जो अलग अलग मुल्क से थे उनको शांति से बसा के दिखाया, सबको रॉयल बनाया, रिच बनाया, अमीर बनाया, शिक्षित बनाया। और यहाँ अपने देश में, हम अपने ही देश में, हम अपने एक घर में ही शांति स्थापित नहीं कर सकते, तो आप ये बताइए वे लोग कैसे बाहर निकलेंगे जिनको इतना सम्मान मिलता? वो कर्महीन लोग हैं, कहलाने को धार्मिक हैं लेकिन वो कर्महीन है, इसलिए बाहर नहीं आए। तो हम तैयार हैं, हमारी इज्जत बेइज्जती से हमें कोई मतलब नहीं, हम अपने एरिए को अच्छा बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे और यहाँ सारी सुविधाएं हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, इसके लिए चाहे हमें पैर क्या, चाहे लोगों की धूल चाटनी पड़ जाए, हम वो काम भी करेंगे। लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि क्या क्या समस्या है जो आपके सामने आई है? और लगता है कि ईजी हो जाना चाहिए था लेकिन लोगों ने अपनी राजनीतिक भावना किया द्वेष भावना की वजह से इन लोगों को तड़पता हुआ छोड़ रखा है। देखिए, हम गांव में, अभी मेरा तीसरा राउंड गांवों में चला हुआ है। पहले हम आइडेंटिफिकेशन के लिए गए कि मैं मैदान में हूँ, आया हूँ। दूसरा, हमारी एक टीम चल रही है, वो मैन टू मैन औरतों की एक टीम है, वो घर घर में जा रही है। और तीसरा राउंड अब मेरा है नुक्कड़ सभाओं का, वो मेरा सिलसिला चला हुआ है, मैं लोगों से यही बातें करता हूँ। और चौथा राउंड हमारा होगा, हम डोर टू डोर जाएंगे निशान मिलने के बाद। जितने भी गांवों में मैं गया हूँ, कोई भी गांव किसी सरकार की, किसी की तारीफ नहीं करता, ना किसी MLA की, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है। मैंने बताया कि समस्या बेरोजगारी की तो है ही, उसके अलावा गांव में गंदगी, नालियां सड़ रही हैं। अब आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत बढ़िया बात है कि उन्होंने वो 370 से वो अखंड भारत का सबूत दिया, उन्होंने उसका स्वागत है उनका। अब हमारी दीवारें मजबूत हो जाए वो ठीक है, लेकिन दुश्मनों के वहाँ छक्के छुड़ाए जा रहे हैं वहाँ भी ठीक है, मारे जा रहे हैं दुश्मन वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे भीतर यहाँ सरकार डेंगू और मलेरिया का मच्छर तक नहीं मार पा रही, किसी चीज़ का आतंक है। यहाँ अस्वस्थता इतनी खतरनाक है कि आप देख पाएंगे नालियों में मच्छर पैदा, अब डेंगू से आदमी मर रहे हैं, मलेरिया से मर रहे हैं, मच्छरों के इतने जहरीले विषैले जो कण हैं उनके, बैक्टीरिया हैं, वो हवाओं में फैल रहे हैं, उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। ठीक है, हमारी दीवारें मंडेर मजबूत हो, लेकिन हमारा भीतर से देश भी खोखला ना हो। अब लोगों के पास मैं जाता हूँ, बीमारियों से करा रहे हैं, मेडिकल में गंदगी है, कहीं भी कोई सुविधा नहीं, कोई एम्बुलेंस गांव में नहीं, कोई फायर ब्रिगेड गांव में नहीं, कोई सामूहिक पुस्तकालय गांव में नहीं, कोई ट्यूशन की व्यवस्था गांव में नहीं। अब बेटियां बढ़ाओ बेटियां पढ़ाओ ये सरकार कह रही है, और बेटियों के लिए एक भी यहां सरकारी कॉलेज नहीं,
झज्जर के अंदर, हमने ये उन लोगों को कहा कि एक यूनिवर्सिटी बने शहर के भीतर और हर 15 किलोमीटर पर एक कॉलेज बने जिसमें गांव की लड़कियां और लड़के आराम से आए पढ़ने आए। अब आप देखते हैं कि रोज तक बच्ची पढ़ने से भेड़ बकरियों की तरह उनको ठूस के ले जाते, एक बस तक सरकार नहीं दे पा रही कि लड़कियों के लिए एक स्पेशल बस सेंटर स्कूल के लिए या नेहरू कॉलेज यहाँ तक नहीं दे पा रही, तो रो तक तक कहाँ देंगे। अब बाहर सिक्योरिटी करते रहें, भीतर हमारा सब कुछ लुटता रहे, तो ये बात गवारा नहीं है और लोगों के भीतर इस बात का मलाल है और वो इस इलेक्शन में ये बात दिखाएंगे, ये सबूत देंगे कि हम परेशान हैं। लोकसभा चुनाव था उसमें एक मुद्दा अलग था, हाँ, लेकिन मेरा उसमें मानना है, मैंने लोगों से बात की कि जो कहते हैं बीजेपी को वोट दें बीजेपी को वोट दें, मैंने उनको कहा कि जब बीजेपी सरकार थी और 5 साल वो राज कर रही थी तो पुलवामा में घुसपैठी कैसे हुई, इसका मतलब सुरक्षा का घेरा हमारा कमज़ोर था, लेकिन हमारे मित्र जो हैं वो चिंतनशील नहीं है, वो एक हवा के साथ बहते हैं। ऐसा ही बीजेपी में पहले हुआ, पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी घुसे और वे नारे चलते थे। मुझे कोई बीजेपी या कांग्रेस से लगाव या उनसे भड़काव नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये काम गलत हो रहे हैं, इनको ठीक करें, और आपस की पाटा टूट फूट टूट हैं जो पार्टियों की टांग खिंचाई है उनको भुला करके हम आम जनमानस के लिए कुछ करें। हमारे प्राण खतरे में है, जीवन खतरे में है, स्वस्थ हम नहीं, यहाँ तो इतना बड़ा आतंक है अस्वास्थ्य का कि मेडिकल सारे फुल भरे, बेड नहीं मिलते। अब ये व्यवस्था रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा, ये सरकार की जिम्मेदारी है और वो हमें नहीं देती, और उस सरकार को अगर हम वोट देते हैं तो मैं तो ऐसी जनता को भी बोलता हूँ कि आपके बच्चे भी सेफ नहीं हैं, अब की बार मन बदलें, ये पार्टियाँ कुछ नहीं करेंगी, आप आए मेरे साथ, मैंने उनका आह्वान किया है कि आप लोग आएँ। और मैं उनसे बड़ी अपील नहीं करता, मैं उनको यही बोलता हूँ कि मुझे पता है कि आपकी नस नस में पार्टियों का जहर, उनके संस्कार, उनकी धारणाएं बस चुकी हैं और वो बहादुरी अब जनता के बीच नहीं रही कि वो पार्टी को लात मार के किसी कैंडिडेट का साथ दे, क्योंकि इन लोगों ने इतनी धारणा बैठा दी कि निर्दलीय विधायक कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैंने 2 उदाहरण बताए उन लोगों को और मैंने देखे जो लोगों ने मुझे बताए। मातन हिल के एक वो थे एमएलए जो निर्दलीय विधायक वो बने थे, उनका फूलचंद या कुछ ऐसा नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, और चौधरी मनफूल सिंह झज्जर से बने थे। अब रिकॉर्ड बताता उस समय का कि उस समय जितने काम हुए उतने काम आज तक हो ही नहीं पाए, क्योंकि उन लोगों के ऊपर पार्टी का अंकुश नहीं था, वे मुद्दे उठा सकते थे, लेकिन अगर पार्टी के लोग बोलना शुरू होंगे, ऊपर आला हाईकमान उनको बना के देती है पूरा प्रोजेक्ट, ये बात उठानी है, ये काम, इससे ज़्यादा नहीं बोलना, इससे ज़्यादा बोलेंगे उनको फेंक दिया जाएगा बाहर। तो ये जो मामला है, हम उनसे बात करते हैं कि आप ऐसा ना करें, हमें पता आप धारणाओं में बंधे हैं, कम से कम झज्जर हलके में से एक घर में से एक परिवार में से मुझे एक वोट दे देना, और मैं उनको वचन देता हूं कि आपका इस एक वोट से अगली पिछली नई पुरानी सारी समस्याओं को भस्म कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये बातें हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि पार्टियों के भीतर से ये जो बैक्टीरिया पार्टियों का घुस गया इसको निकालें। ये नेता काम करना नहीं चाहते, काम करने की नीयत होती तो मैं ये कहता हूँ ये करते क्या है 5 साल कि मक्खी मच्छर तक नहीं मार पा रहे तो करेंगे क्या। जो पार्टियाँ हैं वो कहीं ना कहीं आपको भांति भांति के प्रलोभन भी देती है कि आप पार्टी में आ जाए, हमारे सिंबल से लड़े, लेकिन आपका स्लोगन है पार्टियों के लूट से बचे, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर संदीप राजवर जीत जाते हैं तो किसी ना किसी पार्टी का दामन थामेंगे, ये हर न्यूज़ के दर्शकों या पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को आप आश्वस्त करें। देखिए मैंने आपको बताया साहब, पार्टी की आवश्यकता उसको पड़ती है जो कमज़ोर हैं, जिनके पास, जिनके दिमाग में कोई रिसर्च नहीं है, मुद्दे नहीं है, उनको सिर्फ कोल्लू के बैल की तरह एमएलए बनना है और 5 साल चक्कर काटने हैं और उनको किनारे कर दिया जाएगा, अगले 5 साल में फिर वोट मांगने आएंगे। हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास पीड़ा सहे हुए मुद्दे हैं, जो हमने पीड़ाएं सही, वो दंश हमने बेरोज़गारी के सहे,
वो सारी चीज़ें जब हमारे पास है, वो प्रोजेक्ट उसकी समस्या का समाधान हमारे पास है, तो हमें पार्टियों की आवश्यकता किस लिए? हम अपना प्रोजेक्ट बना के देंगे, किसी की भी सरकार आती है हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपना काम करेंगे। निर्दलीय विधायक का अपना कोटा होता है, 2 से 3 करोड़ के बीच कोटा आता है हर विधायक का, चाहे वो पार्टी का है चाहे वो निर्दलीय है। अब ये कोटा आता है, अगर इन महापुरुषों से पूछें जो MLA बने हुए, भाई ये कोटा कहाँ जाता है? कोई भी आदमी RTI लगा के ये नहीं पूछता कि MLA का ये कोटा आया था वो कहाँ खर्च हुआ, किस बारे में खर्च हुआ, ना कभी MLA मंत्री आके उसका आके हिसाब देते लेखा जोखा। तो मुझे पक्का पता है कि पार्टियों की आवश्यकता ही नहीं है। आप मुद्दे ठीक से रखें, निस्वार्थ होकर बिना पैसे कमाने की नीयत रखते हुए आप मुद्दे रखें, कोई भी विधायक जाएगा वो काम करके देंगे, सरकार की मजबूरी होगी, और वो अगर काम नहीं करेगी फिर जनता उठ के साथ चलेगी और उस पार्टी का इलाज करेगी। तो मैं नहीं मानता कि पार्टियों की ज़रूरत है, ना मैं आगे समर्थन करूंगा, ना अब किसी पार्टी को मैंने माना। हमारे ये मुद्दे सथानीय, इसके लिए मैं निरंतर संघर्ष करता ही रहूँगा। न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप ये थे संदीप राजवर, इन्होंने ताल ठोक दी है कि किसी भी पार्टी को ना तो समर्थन लिया है ना मैं लूँगा। निर्दलीय विधायक बहुत कुछ कर सकता है, उन्होंने उदाहरण के तौर पर बहुत से विधायकों का नाम भी लिया है। अब देखते हैं आगामी 21 तारीख को जनता इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगी। कैमरा पर्सन नीरज के साथ रमाकांत मित्तल की रिपोर्ट, हर न्यूज़ 24।